अखंड भारत ग्रेटर नेपाल, अखंड भारत ग्रेटर नेपाल। दोस्तों, भारत में चारों ओर एक ही बात गूंज रही है और वो और कुछ नहीं, अखंड भारत है। वैसे ही नेपाल में चारों ओर एक ही बात गूंज रही है और वो कुछ नहीं, ग्रेटर नेपाल है। दोस्तों, अखंड भारत में हाल का भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश आता है और इसका कुल क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था। वैसे ही ग्रेटर नेपाल पूर्व के टिस्टा से लेकर पश्चिम के सतलज तक 334,250 वर्ग किलोमीटर तक फैला था। दोस्तों, अखंड भारत की बात कसम से मुझे हजम नहीं हुआ, क्योंकि सब कहते हैं कि दक्षिण एशिया का ही सबसे पुराना देश नेपाल है और आप सभी ने भी जरूर सुना होगा। तो फिर क्या था, मैंने गूगल पर जाके सर्च किया कि हाउ मेनी इयर्स ओल्ड इंडिया, तो गूगल ने क्या कहा आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं आप, 2500 वर्ष कहा है। फिर मैंने सर्च किया हाउ मेनी इयर्स ओल्ड नेपाल, तो गूगल ने क्या कहा ये भी आप साफ साफ देख सकते हैं, 13th century old, यानी कि 3000 साल पुराना हमारा नेपाल देश है। अब ये बात इंडियन भाई को हजम नहीं होगी, इसीलिए मैंने फिर से सर्च किया इज इंडिया इज ओल्डर देन नेपाल, तो आप सब देख सकते हैं गूगल ने क्या कहा, दिस इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, नेपाल वॉज सम 1000 years old देन प्रेजेंट इंडिया, मतलब कि ये बात गलत है और नेपाल कुछ हजार साल पुराना है इंडिया से। फिर मैंने सर्च किया इज नेपाल इज ओल्डर देन इंडिया, तो आप देख सकते हैं गूगल ने कहा नेपाल इज ओल्डेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री इन साउथ एशिया, यानी कि नेपाल साउथ एशिया का ही सबसे पुराना और स्वतंत्र देश है। तो दोस्तों, आप लोग क्या समझे, कल का जन्मा बच्चा, यानी कि यही 2500 साल पहले जन्मा बच्चा आज अपना अखंड भारत मांग रहा है, तो हम लोग क्या 3000 पहले का ग्रेटर नेपाल नहीं मांग सकते? अब हमें भी चाहिए 334,250 वर्ग किलोमीटर वाला ग्रेटर नेपाल। दोस्तों, अगर आप सच्चे नेपाली हैं तो हमारे ग्रेटर नेपाल के लिए हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी नेपाली भाई के पास ये संदेश जाना चाहिए, वो भी तो जाने हमारा नेपाल का इतिहास कितना पुराना है।